वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी बाय रवि सर। हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी बाय रवि सर। मैं हूं रवि सर, और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 12th क्लास का रेनबो पार्ट 2 प्रोज सेक्शन लेसन नंबर 3 अ पिंच ऑफ स्नफ, जो कि इंग्लिश के बुक से रिलेटेड है, इस लेसन का कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहली बात कि हमने इससे पहले वाले वीडियोज में आपको अबाउट द राइटर सेक्शन का, जो 1 से लेकर 11 लेसन हैं, मैंने सबका अबाउट द ऑथर सेक्शन बनाया है। तो आप अगर उस अबाउट द ऑथर सेक्शन को आपने अगर नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के और अबाउट द ऑथर सेक्शंस का प्रत्येक वीडियो देख ले, जिससे कि राइटर्स के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। आज के इस वीडियो में हम लोग इस लेसन का अ पिंच ऑफ स्नफ, बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, इसका जो है पैराग्राफ वाइज लाइन बाय लाइन इस लेसन का फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, इसलिए आप मेरे चैनल पर बने रहें, इस वीडियो के साथ बने रहें और एक बहुत ही अच्छी स्टोरी को एंजॉय करें। और आई होप, मुझे उम्मीद है कि इस लेसन को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप मेरे लेसन पर बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। और इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चूंकि आपका ये प्रेम ही है, आपका हमारे प्रति ये मतलब लगाव ही है जो मुझे उत्साह देता है, हौसला देता है कुछ नया करने के लिए। तो सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और ऑल सेलेक्ट कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियोज का अपडेट आप तक कंटिन्यू पहुँचता रहे। आई होप बहुत ज़्यादा सुविधा होगी, चूंकि इस चैनल पर आपको इंग्लिश लिटरेचर ही नहीं बल्कि ग्रामर और स्पोकन का क्लास भी मिलने वाला है। तो आप मेरे चैनल पर बने रहें। तो बिना समय गंवाए हम लोग वापस लौटेंगे इस लेसन के शुरू से, इस लेसन को पैराग्राफ वाइज पैरा 1 से स्टार्ट करेंगे और जानेंगे क्या कि इस लेसन में है क्या। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, रोमांचक स्टोरी है, जैसे कि अबाउट ऑथर सेक्शन में आपको बताया जा चुका है। तो बिना समय गंवाए हम लोग पैराग्राफ 1 पर लौटते हैं। अ पिंच ऑफ स्नफ, जैसा कि इस लेसन का टाइटल जो है वो बनेगा अ पिंच, एक चुटकी ऑफ स्नफ, नशावार की, यानी कि एक चुटकी नशावार की, या इस लेसन का दूसरा टाइटल ये भी बोल सकता है कि नशावार की एक चुटकी। तो नशावार का मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे उसमें जो हो गया तंबाकू हो गया या खैनी, ये सारी चीजें तो जनरली लोग यूज करते हैं, तो उसी पर एक शॉर्ट स्टोरी मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आप बने रहें। तो कम बैक होते हैं, पैराग्राफ 1 में आते हैं। अनुच्छेद 1 कहता है कि मदर्स अनाउंसमेंट, यानी कि माँ की घोषणा ने सुक मी, मुझे झकझोर दिया। ऐसा लगा कि मानो माँ ने जो घोषणा की उसे मुझे जबरदस्त झटका लगा। नानू काका इज कमिंग, सी सेड। माँ ने क्या कहा था कि नानू काका इज कमिंग, यानी कि नानू काका आ रहे हैं। अब यहाँ पर समझना है कि नानू काका कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि नानू काका यहाँ पर राइटर के मामा हैं, वो मुंबई में रहते हैं और जबकि राइटर दिल्ली में रहते हैं। तो माँ ने जब कहा कि नानू काका आ रहे हैं तो राइटर जो है वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है, एकदम से मानो उसको बिजली का झटका लगता है, वो इस तरह से बिहेव करता है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा क्यों है। एक्चुअली नानू काका जो है वो एक्चुअली इस लेसन के समझिए कि एक एक्टर है और उन्हीं के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है, और राइटर उनके असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं, यानी कि राइटर को एक्टर कह सकते हैं राइटर को। तो इस तरह से यह स्टोरी चलती है। नानू काका की पर्सनालिटी ऐसी है कि वो मतलब सच को झूठ और झूठ को सच, आंख बंद और डब्बा गायब वाली हिसाब किताब है। मतलब पल भर में वो सच को झूठ और झूठ को सच बना सकते हैं, और उनमें इस तरह का मतलब उनकी इतनी अच्छी पर्सनालिटी है कि उनके लिए कुछ भी चीज जो है पॉसिबल है। तो पैरा 1 में कहता है कि जब माँ ने अनाउंसमेंट किया कि नानू काका आ रहे हैं तो राइटर को एकदम मानो को बिजली का झटका लगा, उन्होंने इस तरह से बिहेव किया। पैरा 2, ओ माई गॉड, हे भगवान, आई सेड, मैंने कहा, यानी राइटर ने कहा कि हे भगवान, कुडंट वी सेंड हिम ए वायर, क्या उनको हम लोग एक तार नहीं भेज सकते। सेइंग, ये कहते हुए, वी आर लिविंग दैट आई एम ट्रांसफर्ड और समथिंग। तो राइटर कहते हैं कि माँ ऐसे करते हैं, क्या उनको हम तार नहीं भेज सकते हैं, और ये कहते हुए कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं या फिर हमारा ट्रांसफर, मेरा तबादला हो गया है, या कुछ और भी कह देते हैं जिससे कि नानू काका नहीं आए। पैरा 3, नो डियर, नहीं प्रिय, मदर सेड, माँ ने कहा,
ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, वो तो निश्चित तौर से जो है वो ट्रेन में सवार हो चुके होंगे, अवश्य आवश्यक रूप से उन्हें ट्रेन में अब तक सवार हो जाना चाहिए, यानी कि हो चुके होंगे। बिसाइड्स इसके बदले में, इसके अतिरिक्त, सी एडेड रेजियंगली, उन्होंने क्या किया, एक आश्वासन के रूप में उन्होंने ऐड किया, क्या कहा कि ही सेज ही कैन नॉट स्टे फॉर हियर फॉर मोर देन 2 or 3 days। माँ कहती है कि ऐसे भी ऐसी कोई जल्दी नहीं है, वो ये भी कहते हैं, नानू काका कहते हैं कि वो यहाँ पर जो है 2 or 3 days से अधिक नहीं रुकेंगे। पैरा 4, व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट, तो राइटर पूछते हैं क्या कि नानू काका इस गर्मी के मौसम में दिल्ली क्यों आ रहे हैं, क्या कारण हो सकता है कि इस इतनी गर्मी में दिल्ली आ रहे हैं, और दिल्ली में ऐसे भी बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, तो रीजन क्या हो सकता है। तो पैरा 5 में आते हैं, माँ कहती है कि ही वॉन्ट्स टू सी सम मिनिस्टर, माँ बताती है कि वे कुछ मंत्री से मिलना चाहते हैं। पैरा 6, व्हाट, क्या, दैट मीन्स ही विल बी हियर फॉर वीक्स, राइटर कहते कि अरे क्या इसका मतलब, तो वे जो है यहाँ पर सप्ताहों रहेंगे। मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल फॉर वीक्स मंथ्स, ओ माई गॉड, तो राइटर कहते हैं कि मंत्री लोग जो है वो साधारण लोगों से सप्ताहों क्या महीनों भी नहीं मिलते हैं, हे भगवान अब क्या होगा, राइटर ने ये बात कहा। पैरा 7 में आते हैं, इफ योर नानू काका वांट्स टू सी ए मिनिस्टर, माँ कहती है कि यदि तुम्हारे मामा जो है वो अगर मंत्री से मिलना चाहते हैं तो आई एम श्योर, तो मैं आश्वस्त हूँ, ही विल मैनेज टू सी हिम, कि वो किसी तरह से उनसे मिल ही लेंगे। मदर सेड, माँ ने कहा, एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, किसी भी समय दिन में या फिर रात में। पैरा 8, मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली, माँ जो है वो शुरू से ही लॉयल रही थी, वफादार रही थी अपने फैमिली पक्ष से, यानी कि अपने मायके पक्ष से। एंड आफ्टर ऑल, और कुल मिला करके, नानू काका इज हर ब्रदर, नानू काका तो उनके भाई ही हैं, यानी कि हमारे जो मामा हुए, राइटर कहते हैं कि जो मेरे मामा हुए वो तो उनके भाई ही हुए। आई और मैं ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, मे हैव समथिंग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर्स, और मेरा जो है मंत्रियों के बारे में कुछ और ही सोचना है, कुछ और ही मानना है। आई एम एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेस, और राइटर कहते हैं कि मैं तो एक अंडर सेक्रेटरी हूँ, वो भी प्रोबेशन पे हूँ, वो भी यानी कि नई नई जो है हमारी जो है अभ्यास काल है, यानी ट्रेनिंग पीरियड कह सकते हैं, यानी कि अवर सचिव हूँ, वो भी ट्रेनिंग में। एंड एज सच ट्रेंड टू रिगार्ड मिनिस्टर, सो मुझे सिखाया गया मंत्रियों का सम्मान करना, रिगार्ड करना, एज बीइंग 2 steps हायर देन गॉड, यानी कि ईश्वर से भी 2 कदम आगे, यानी कि ईश्वर से भी 2 step उच्चा दर्जा दिया गया है मंत्रियों को रिगार्ड करना, सम्मान करने के लिए। द सेक्रेटरी इज बीइंग जस्ट 1 step हायर, सेक्रेटरी जो है वो जो सचिव है उनको तो 1 step ऊंचा माना जाता है घोड़ से। पैरा 9, आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, तो मैं कहा, मैं प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहा था, यानी कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मैं इंतजार कर रहा था। व्हेन द ट्रेन केम इन, तभी ट्रेन आई, रेलगाड़ी आ गई। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ ए सेकेंड क्लास कैरेज, नानू काका कहाँ ठहरे हुए थे, नानू काका ठहरे हुए थे इन द डोरवे, यानी कि एकदम दरवाजे वाले रास्ते पे, जहाँ से मतलब ट्रेन में चढ़ा जाता है, डब्बे में या उतरा जाता है, उस रास्ते पे, ऑफ ए सेकेंड क्लास कैरेज, यानी कि सेकेंड क्लास कैरेज में, यानी कि द्वितीय श्रेणी के डब्बे में खड़े थे, वो भी डोरवे में, डोर साइड में। ये स्ट्राइकिंग फिगर, बहुत ही रौबदार चेहरा, व्हाइट हेयर्ड, बाल जो थे सफेद थे, विद एन इम्प्रेसिव मुस्टाक, और एक बहुत ही इम्प्रेसिव, आकर्षित करने वाली मुस्टाक, यानी मुछे। ही स्टिल वियर्स, वो अब भी पहनते हैं, द ओल्ड फैशन नी लेंथ, यानी कि पुराने फैशन वाले नी लेंथ, यानी घुटने तक की लंबाई की ब्लैक कोट, काली कोट पहनते हैं। एंड द रेड सिल्क पगड़ी, और लाल रेशम की पगड़ी ऑफ द डेक्कनी ब्राह्मण, जिस तरह से दक्षिणी ब्राह्मण पहना करते हैं उसी तरह से नानू काका भी पगड़ी बांधते हैं, वो भी लाल रंग के रेशम की पगड़ी। एंड ड्रैप्स एफ वाइट अंगोछा, और एक ड्रैप करते हैं यानी लपेटते हैं, एफ वाइट अंगोछा, एक सफेद अंगोछा यानी गमछी, राउंड ही शोल्डर्स, अपने कंधे के चारों ओर, यानी कि पैरा 9 में नानू काका का चरित्र चित्रण किया गया, उनका पर्सनालिटी एक्सप्लेन किया गया, जो आपने समझा। पैरा 10 में आएंगे, एज आई वेंट अप, जैसे मैं ऊपर गया, कहाँ गया ऊपर, ही हैंडेड मी अ बास्केट, उन्होंने मुझे क्या किया, एक टोकरी पकड़ा दिया, एक बास्केट पकड़ा दिया। टेक दिस आउट, इसे लेकर के बाहर जाओ, क्विक, जल्दी, ही विस्पर्ड, उन्होंने धीरे से कहा, आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन, वो कहते कि मैं तुम्हें स्टेशन के बाहर मिलूंगा, तुम जल्दी से पकड़ो टोकरी और बाहर जाओ, जल्दी से, क्विकली। पैरा 11, आई आस्क्ड नो क्वेश्चंस, मैंने कोई भी प्रश्न उनसे नहीं पूछा।
आई टक्ड द बास्केट अंडर माई आर्म, मैंने क्या किया उस बास्केट को, उस टोकरी को मैंने अपने बाहों के बीच दबाया, टक किया एंड टर्न्ड और मुड़ गया। ओनली टू बम्प इनटू एन एनॉर्मस मारवाड़ी वुमन हु हैड हर हेड कवर्ड इन ए बुर्का। अब मैंने क्या किया, ओनली टू बम्प यानी कि ओनली मतलब मात्र, उसे बम्प हुआ यानी उछला, टकरा गया, इंटू एन एनॉर्मस मारवाड़ी वुमेन, एक भारी भरकम मराठी मारवाड़ी महिला से टकरा गया। हु हैड हर हेड कवर्ड, जिसने अपना सिर ढका हुआ था, इन ए बुर्का, बुर्का में यानी नकाब में। बट माई अपोलॉजीज वेयर ड्रॉन्ड, लेकिन मेरा ध्यान जो है वो खींच गया किधर, तो बाई द स्ट्रेंज साउंड, एक बहुत ही विचित्र आवाज की ओर, एमानेंटिंग फ्रॉम द बास्केट, जो कि बास्केट से आ रही थी। यानी कि जैसे ही मैं उस महिला से टकराया, बहुत भारी भरकम महिला थी, उस मारवाड़ी महिला जो कि जिसका सिर जो है बुर्का में यानी कि नकाब में ढका हुआ था, जैसे मैं उसे टकराया तो मेरा ध्यान खींचा उस बास्केट की ओर जहां से एक बहुत ही विचित्र आवाज आ रही थी। द प्रोटेस्ट ऑफ एन आउटरेज्ड किटन, एक बिल्ली के बच्चे की आवाज थी, स्पिट स्ट्रफ म्यू म्यू म्यू, और इस तरह की आवाजें जो है आ रही थी, उस तरफ मेरा ध्यान चला गया। पैरा 12, आई डक्ड एंड रैन, मैंने फिर से डक किया, उस बास्केट को लिया, इसके बाद मैं मुड़ा झुका और इसके बाद रैन, वहां से भाग खड़ा हुआ। एंड मिंगल्ड, और मिल गया, मिश्रित हो गया विद द क्राउड, एक भीड़ में। एंड स्क्वीज्ड थ्रू द गेट इन द वेक ऑफ ए सिख मैरिज पार्टी, और एक गेट से होते हुए बाहर निकलते हुए सिख का जो एक सिख का मैरिज पार्टी चल रहा था, शादी विवाह का समारोह चल रहा था, मैं उसमें जाकर के छुप गया, मिल गया। अब नेक्स्ट पैरा में चलते हैं, पैरा 13 में आएंगे। नानू काका वाज लॉन्ग टाइम कमिंग, नानू काका को आने में बहुत देर हो रही थी, काफी लंबा समय लग रहा था उनको आने में। द स्टेशन यार्ड वाज नियरली एम्प्टी, और नजदीकी जो स्टेशन का जो प्रांगण था वो भी लगभग एम्प्टी खाली हो गया था। एंड द लास्ट टोंगा हैड गोन, और अंतिम तांगा भी चला गया था। व्हेन ही इमर्ज्ड, तभी वे दिखाई दिए, एस्कॉर्टेड बाय ए फोनिंग टिकट इंस्पेक्टर, और एक चापलूस टिकट इंस्पेक्टर जो है, फोनिंग यानी चापलूस, एस्कॉर्टेड यानी कि रक्षा के लिए जाना या साथ में जाना, टिकट इंस्पेक्टर यानी कि उनके साथ जो है एक चापलूस टाइप का टिकट इंस्पेक्टर भी साथ में दिख रहा था। पैरा 14, नो रूम इन द थर्ड यार्ड, यानी कि तीसरी क्लास में कोई भी रूम यानी कोई भी जगह नहीं थी। एंड दे वुडंट इश्यू सेकेंड क्लास टिकट विदाउट रिजर्वेशन, और वे लोग जो है यानी कि जो जो रेल डिपार्टमेंट है, ट्रेन डिपार्टमेंट है, तो वो क्या करते हैं, बिना रिजर्वेशन के सेकंड क्लास टिकट इश्यू करते नहीं है। नानू काका एक्सप्लेन्ड एज ही केम अप टू मी, नानू काका ने एक्सप्लेन किया, वर्णन किया जैसे ही वे मेरे पास आए, यानी कि इसका मतलब यह है कि नानू काका जो थर्ड क्लास का टिकट लिए होंगे और सेकंड क्लास में चले होंगे, सेकंड क्लास के डब्बे में चले गए होंगे, इसलिए कहते हैं कि थर्ड क्लास में जगह नहीं थी और सेकंड क्लास का टिकट इश्यू नहीं होता है बिना रिजर्वेशन का। Had to travel second on a third class ticket. देखिए बात आ गई, कहते कि had to travel यानी कि यात्रा करना पड़ा था, second on a third class ticket यानी कि third class के ticket पर second class में यात्रा करना पड़ा। But it was all arranged, लेकिन सब कुछ जो है व्यवस्थित हो गया, arranged हो गया, quite amicably बहुत ही आसानी से। Such a nice young man, कितना अच्छा आदमी है वो, द टीसी, जो टीसी था, कितना अच्छा आदमी था। यूसा, तुमने देखा हाउ ही इवन केम राइट आउट विद मी, किस तरह से वो मेरे साथ बाहर तक आया, सो दैट इसलिए कि देयर शुड बी नो ट्रबल, कि मुझे कोई परेशानी न हो। द किटन ऑफ कोर्स ट्रेवल्ड फ्री, हाउ इज इट, तो उन्होंने कहा कि जो किटन है, बिल्ली का बच्चा जो है, बेशक ऑफ कोर्स बेशक ट्रेवल्ड फ्री, उसने मुफ्त ही यात्रा कर लिया, हाउ इज इट, कैसा रहा। पैरा 15 में आएंगे, वेरी क्वाइट, बहुत अच्छा, आई सेड, मैंने कहा, परहैप्स इट इज डीड, आई थॉट होपफुली, लेकिन हाँ मुझे लगा कि शायद वो बिल्ली का बच्चा जो है, जो किटेन है, वो शायद मर गया है, मैंने ऐसा उम्मीद किया, और ऐसा उम्मीद करे भी क्यों ना, चूंकि उस औरत से, उस मारवाड़ी महिला से टकरा गए थे, जोरों की टक्कर हुई थी, और इस कंडीशन में लगा राइटर को कि अब कोई आवाज भी नहीं आ रही है, तो ऐसा लगा कि शायद बिल्ली का बच्चा मर ना जाए। पैरा 16 में आएंगे, वी गोट इन टू द कार, हम लोग कार में सवार हुए। एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज इन टू सेकेंड गियर, और इससे पहले कि मैं अपने कार को सेकेंड गियर में लेके जाता, यानी कि फर्स्ट गियर के बाद सेकेंड गियर में लेकर के जाता, नानू काका ने मुझसे पूछ लिया, क्या पूछा, कि व्हेन हैव यू अरेंज्ड फॉर द मिनिस्टर टू सी मी, तुमने मंत्री से मेरे मिलने का इंतजार कब किया है।
कांट स्टे हेयर फॉर मोर देन टू डेज, यहाँ दो दिन से ज्यादा नहीं रुक सकता, थ्री एट द मोस्ट, और खूब से खूब यानी बहुत से बहुत ज्यादा से ज्यादा तीन दिन रुक सकता हूँ, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है रुकना। पैरा 17, इट वॉज ए टाइम फॉर फ्रेंकनेस, तो ये जो टाइम था बिल्कुल स्पष्ट करने लायक था। लुक अंकल, सुनिए मामा जी, आई सेड, मैंने कहा, आई एम मेरली एन अंडर सेक्रेटरी, मैं तो मात्र एक अवर सचिव हूँ, ऑन प्रोबेशन, वो भी हमारी नई नई बहाली है, अभी तो ट्रेनिंग पीरियड में ही हूँ, एंड इट इज मोर देन माई जॉब इज वर्थ टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यूज विद मिनिस्टर्स, अरे तो मेरे जॉब से भी मतलब मैं हाथ धो सकता हूँ, या जॉब से भी बड़ी बात है, मेरी नौकरी से भी बड़ी बात है कि मैं जाऊँ और मंत्री से पूछूँ इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए। यानी कि राइटर क्लियर कर देते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट पैरा 18 में आएंगे। उफ, अरे नानू काका ने कहा, आई हैड रादर होप्ड, मैंने तो कुछ और ही उम्मीद किया था। उफ, आई सी, अरे चलो ठीक है, आई सी मैं देखता हूँ, वेल ठीक है, निभा भाई ठीक है, टेंशन ना लो, माइंड मत करो, चिंता मत करो। ही टूक अ पिंच ऑफ स्नफ, उन्होंने क्या किया, एक चुटकी नसावार लिया, ब्रश्ड हिज फिंगर्स, अपने उंगलियों से रगड़ा डेलिकेटली, आराम आराम से, धीरे धीरे से, ऑन हिज अंगोछा, इसके बाद उन्होंने अपने हाथ को अंगोछे में क्या किया, पोंछ लिया, एंड सेट बैक, और वापस बैठ गए। क्लोजिंग हिज आईज, अपनी आंखों को आंखें बंद करते हुए, एंड पकरिंग हिज आईब्रोज, और अपने भौं को सिकुड़ाते हुए, पकरिंग करते हुए, एज थ्रो इन डीप थॉट, और ऐसा लगा कि मानो वे गहरे सोच में डूबे हुए हैं। He also clucked his tongue several times. उन्होंने कई बार अपने जीभ भी बजाया, जैसे अगर आदमी बहुत ज्यादा टेंशन में होता है या चिंता में होता है तो उस कंडीशन में ऐसा होना स्वाभाविक ही है। इन ए टाइपिकली डेक्कनी वे, एक बहुत ही टाइपिकली, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे डेक्कनी वे में दक्षिणी ब्राह्मण जिस तरह से दक्षिणी लोग, दक्षिण के लोग किया करते हैं वैसा, रजिस्टरिंग पीटी, और ऐसा लग रहा था कि मानो पीटी यानी कि दया के जो पात्र हैं, यानी कि एकदम से उन पर तरस खाने योग्य है, इस तरह से वो कर रहे थे, अपना कंडीशन एक्सप्लेन कर रहे थे। पैरा 19 में आएंगे। मदर वाज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, तो माँ कहाँ वेट कर रही थी, कहाँ इंतजार कर रही थी, ड्योढ़ी पर, डोर स्टेप पे, यानी ड्योढ़ी पर, दरवाजे पर इंतजार कर रही थी माँ। हर फेस रेड इन स्माइल, उनका चेहरा जो है रेड हो गया, डूब गया इन स्माइल, खुशी में, हंसी से। शी वेंट इन टू स्क्वील्स ऑफ डिलाइट ओवर द किटन, वे गई और किटन के ऊपर यानी बिल्ली के बच्चे के ऊपर ढेर सारा प्यार बरसाया, उसको देख करके काफी डिलाइट हो गई, प्रसन्न हो गई, एंड मेड लॉट ऑफ फ्यूस ओवर नानू काका, और उन्होंने नानू काका पर ढेर सारा प्यार बरसा दिया। आई ऑल्सो फाउंड दैट, मैंने ये भी प्राप्त किया कि मुझे ऐसा भी पता चला कि शी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम, कि माँ ने नानू काका को यानी कि मामा को मेरे ही कमरे में इंस्टॉल्ड कर दिया, यानी कि उन्हें उनके सोने की व्यवस्था जो है वो मेरे बेडरूम में, मेरे शयन कक्ष में किया गया है। सो दैट, इसलिए कि आई हैड टू पुट ए चारपाई फॉर माई सेल्फ इन द बैक बरामदा, और यही कारण था कि मुझे सोने के लिए एक चारपाई निकालना पड़ा, वो भी पीछे वाले बरामदे में। पैरा 20 में आएंगे। अनुच्छेद 20 क्या कहता है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। एट मदर्स इंस्टेंस, माँ के कहने पर, आई हैड टेकन टू डेज लीव फ्रॉम द ऑफिस, मैंने अपने ऑफिस से दो दिन का छुट्टी ले लिया था, एंड इन द आफ्टरनून, और उसी दोपहर के बाद वाले समय में, आई ड्रोव नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक, मैं नानू काका को लेकर के नॉर्थ ब्लॉक गया। He went in to see the minister and I waited in the car park. वे अंदर चले गए मंत्री से मिलने और मैंने क्या किया, बाहर कार पार्क में ही इंतजार किया, मीन कार को पार्क कर दिया और वहीं पर इंतजार किया। It was 2 hours before he returned mumbling colorful Marathi swear words. 2 घंटे हो गए। It was 2 hours before he returned. 2 घंटे के बाद वे लौटे, mumbling बुदबुदाते हुए, बकते हुए, colorful रंगीन मराठी स्वेयर वर्ड्स, मराठी भाषा में गालियां देते हुए लौटे। यानी कि 2 घंटे के बाद जब नानू काका लौटते हैं तो गजब का उनका टेम्परामेंट होता है, गाली देते हुए लौटते हैं वहां से। आई डिडंट डेयर आस्क हिम, तो मुझे उनसे पूछने की हिम्मत भी ना हुई, व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ था, एंड ड्रोव विदाउट सेइंग अ वर्ड, और बिना कुछ शब्द बोले मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। ही कूल्ड डाउन इन अ लिटिल वाइल, जब कुछ देर के बाद वे जब शांत हुए तो दाउ तब एंड शैडो, और उन्होंने कहा, क्या कहा देख लेते हैं, 21 में आते हैं। 2 hours, 2 घंटे आई स्पेंट, जो मैंने बिताया, बींग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन चपरासी टू अनदर, तो मैं क्या, 2 घंटे मैंने क्या किया, तो एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक ट्रांसफर्ड हो रहा था, यानी कि एक चपरासी दूसरे के पास भेज रहा था, दूसरा तीसरे के पास, तीसरा पहले के पास भेज रहा था।
ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडोर्स, कॉरिडोर्स कहना है कि ट्रैम्पिंग पैदल चलते हुए थ्रू द कॉरिडोर्स एक गलियारी से दूसरे गलियारी में, एंड इन द इंडोर अंत में सक्सीडेड इन गेटिंग ए डिप्टी सेक्रेटरी टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट, लेकिन अंत में मैं सफल हुआ एक डिप्टी सेक्रेटरी यानी कि एक अवर सचिव जो था उसने क्या किया मुझे टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट, उसने मुझे एक अपॉइंटमेंट दिया यानी कि मंत्री से मिलने का समय दिया, 3 days फ्रॉम नाउ यानी कि आज से 3 दिनों बाद, शेमफुल बड़ा ही शर्मनाक, शेमफुल शर्मनाक। एंड देयर वॉज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स, और एक दौर फिर से चला मराठी गालियों का दौर फिर से चला, ढेर सारी गालियां बकते रहे नानू काका यानी मामा जी। इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, जब भाषा की जो है आपातकालीन स्थिति आती थी, तो माई अंकल मेरे मामा ऑलवेज टर्न्ड टू हिज मदर टंग, तो हमेशा अपने मातृभूमि की ओर, मातृभाषा या अपना जो उनका लोकल लैंग्वेज था वहीं पर चले जाते थे। तो इस तरह से पैरा 21 जो है फिनिश हो जाता है। यहाँ पर नानू काका गए थे मंत्री से मिलने लेकिन सफल नहीं हुए, 3 दिनों के बाद का उनको अपॉइंटमेंट दिया गया है। तो देखेंगे कि अगले पैराग्राफ में क्या होता है। पैरा 22 में आएंगे, देखते हैं क्या हुआ है। एक गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार, एक बहुत ही सजी हुई चमचमाती पीली रंग की स्पोर्ट्स कार फ्लैश्ड पासस, यानी कि हमसे आगे निकली, हमारी कार से आगे निकली। ब्लेरिंग इट्स हॉर्न, अपना हॉर्न बजाते हुए इन एन इंटरप्टेड ब्लास्ट, ऐसा लग रहा था कि कानफाड़ू आवाज में। एंड द यंग मैन एट द व्हील वेव्ड हिज हैंड एट मी, और उस गाड़ी को चालक जो चला रहा था, जो चालक था उसने मेरी ओर हाथ हिलाया। 23. What a rude man! Who was that? नानू का आस्क्ड, तो what a rude man? यानी कैसा असभ्य सा आदमी था। Who was that? वो कौन था? नानू काका आस्क्ड, नानू काका ने मुझसे पूछा। 24. Chap called रतिराम, उसको जो है रतिराम कहते हैं, यानी उसका नाम जो है रतिराम है। Works in the same ministry as mine, वो मेरे ही मंत्रालय में कार्य करता है। 25. I see you. अच्छा। 26. There was some talk about his going as trade commissioner to Hazrat Barkat Ali. To you know the ambassador, but this say it is all off now. I said just to make conversation. तो राइटर एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि there was some talk about his going as trade commissioner, यानी कि वह व्यापार आयुक्त बनने वाला था, to Hazrat Barkat Ali, यानी कि Hazrat Barkat Ali के साथ, you know, पता है आपको, the ambassador, वो राजदूत, but they say, लेकिन वे कहते हैं कि it is all of now, कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। I said, मैंने कहा, just to make conversation, मैंने केवल बातचीत को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ये बात नानू काका से कहा। 27. Why don't you get sent out on one of two these foreign assignments? नानू काका asked. तो नानू काका यहाँ पर पूछते हैं कि why don't you get sent? कि तुम क्यों नहीं भेजते हो out and one of these foreign assignments? कि उन विदेशी सत्रीय कार्य के लिए तुम भी अपना डॉक्यूमेंट क्यों नहीं भेजते हो? नानू काका ने पूछा राइटर से, यानी कि मनोहर मालगांवकर से। 28. To get sent on a foreign assignment is in the same category as getting an इंटरव्यू विद ए मिनिस्टर। राइटर एक्सप्लेन करता है कि टू गेट सेंट, ये एक विदेशी कार्य, इज इन द सेम कैटेगरी एज गेटिंग एन इंटरव्यू विद द मिनिस्टर, ठीक उतना ही मुश्किल, उतना ही बड़ा काम है जैसा कि एक मंत्री से मिलना। अंकल मामा जी, आई सेड, मैंने कहा, समवाट अनकाइंडली, चाहे जो कुछ भी हो, कुछ जो है निर्दयता से, इट टेक्स पुल, इसमें आदमी खींच ही जाता है। रतिराम इज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, रतिराम जो है वो किसका बेटा है? तो सोहनलाल रतिराम का बेटा है। यू नो, आपको पता है द पार्टी बॉस इन दिल्ली, जो कि दिल्ली में पार्टी का बॉस है, उनका बेटा, और उनका काम नहीं हुआ तो मेरा कैसे हो सकता, आप कैसे ये बात कह सकते हैं। पैरा 29 में आने वाला है। नानू काका सेट अप विद अ जर्क, नानू काका एक झटके के साथ बैठ गए। व्हाट वाज दैट, वो क्या था? व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा? सोहनलाल रतिराम सन, सोहनलाल रतिराम का लड़का, उनका बेटा। हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कितना असाधारण। वेल वेल, ठीक है ठीक है। ही लेंड बैक इन हिज सीट, वे फिर से अपने वापस अपने सीट पे बैठ गए। एंड स्टेयर्ड एट मी फॉर ए लॉन्ग टाइम, और वो मेरे तरफ लंबे समय तक घूरते रहे। नाउ लेट मी सी, तो नानू काका कहते कि चलो अब मुझे देखने दो। यू हैव गोट ए क्लोज कॉलर जोधपुर कोट, तुम्हारे पास जो है एक बंद गले का जोधपुर कोट है ना, हैवंट यू, तुम्हारे पास है ना? गुड, ठीक है। एंड कैन यू टाई ए टर्बन, और क्या तुम एक पगड़ी बांध सकते हो? नो, नहीं। वेल, ठीक है।
आई विल हैव टू पुट इट यू ऑन यू ऑल्दो आई एम नॉट एक्सपर्ट। कहते हैं कोई बात नहीं, मैं ये पगड़ी बना करके तुम्हारे सिर पे रख दूंगा, यद्यपि मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, विशेषज्ञ नहीं हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे लिए पगड़ी बना दूंगा। दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस, ये टाई और जो कॉलर का जो बिजनेस है, इज नो गुड दिस डेज, इन दिनों अच्छा नहीं है। लेट्स गो, हम चलो अब हम लोग घर चले। आफ्टर यू हैव चेंज वी विल गो एंड सी हिम, जब तुम चेंज हो जाओगे, जब तुम अपना हुलिया बदल लोगे, ड्रेस चेंज कर लोगे, तो हम लोग चलेंगे और उनसे मिलेंगे। 30, सी होम किसे मिलने, तो 31st कहता है कि वाई क्यों, लाला सोहन लाल, ऑफकोर्स लाला सोहन लाल से बेशक, हम लोग लाला सोहन लाल से मिलने वाले हैं। 32, डू यू नो हिम एट ऑल, तो राइटर पूछता है कि क्या आप उनको जानते हैं, लाला सोहनलाल को जानते हैं, तो 33, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं, बेशक उनको नहीं जानता, नानू काका ने कहा। इसके बाद है नेक्स्ट पैराग्राफ है 34, ये देखते हैं। आई चेंज्ड इनटू जोधपुर कोट, मैंने क्या किया, जोधपुर कोट में अपने आप को बदल लिया, यानी कि मैंने जोधपुर कोट पहन लिया। एंड अंकल नानू काका और जो मामा नानू काका हैं, टाइड ह्यूज ऑरेंज टर्बन, उन्होंने एक बड़ा सा ऑरेंज कलर का टर्बन बांधा अराउंड माई हेड, अब मेरे सिर के सिर पर। एक्ट एज दाउ यू आर माई ईयर ए सॉर्ट ऑफ एडीसी, और इस तरह से तुम एक्ट करोगे, अभिनय करोगे कि जैसे तुम मेरे एडीसी हो। एडीसी का मतलब मीन असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर। ही क्वेश्चन्ड, उन्होंने आगाह किया मी, मुझे, एज वी स्टार्टेड फॉर लाला सोहन लाल हाउस, जैसे ही हम लोग लाला सोहन लाल के घर के लिए निकले। पैरा 35 में आएंगे, ए सेक्रेटरी एक सचिव इन स्पॉटलेस व्हाइट क्लॉथ, एक बिल्कुल ही धब्बाहीन सफेद कपड़े में, रिसीव्ड अस, उसने हम लोगों को क्या किया, रिसीव किया। एंड शोड अस इंटू ए कूल व्हाइट रूम, और उसने मुझे एक सफेद ठंडे रूम को दिखाया, उधर लेकर के गया। बिफोर ही आस्क्ड आवर बिजनेस वेरी पोलाइटली, इससे पहले कि वह मुझसे, हम लोगों से हमारा बिजनेस पूछो, भी बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही विनम्रता के साथ। 36 में आएंगे, पैरा 36 क्या कहता है, जस्ट ड्रॉप्ड इन, नानू काका सेड कैजुअली, नानू काका ने आकस्मिकता से कहा, क्या कि बस ऐसे ही आ गए, मिलने के लिए चले हैं। आई हैड कम टू दिल्ली फॉर द जमींदार्स कन्वेंशन, मैं दिल्ली आया था, क्यों आया था, तो जमींदार का जो कन्वेंशन चल रहा था, सम्मेलन चल रहा था, उसमें आया था। ये रादर अनऑफिशियल गैदरिंग, पता है, बिल्कुल ही बेकार सा एक अनऑफिशियल गैदरिंग, भीड़ भाड़, यू नो, तुम्हें पता है, सिंस वी जमींदार, यद्यपि जो हम लोग जमींदार हैं, आर नॉट एग्जैक्टली, जो कि बिल्कुल ही नहीं, पॉपुलर दिस डे, जिन दिनों पॉपुलर तो है ही नहीं। वीपी हैज सेंट आल्सो सेंट ए केबल, वीपी यानी वेद प्रकाश ने भी मुझे एक केबल भेजा था, यानी कि ही वांट्स टू सी मी, वह मुझसे मिलना चाहता है, बट ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम वाशिंगटन अंटिल टुमोरो, लेकिन वह कल से पहले वाशिंगटन से आ भी नहीं रहा है। आई थॉट, तो मैंने सोचा, आई माइट एज वेल सी लाला जी, तो मैं चलूं और थोड़ा लाला जी से मिल लूं। एंड टेल हिम, और उन्हें कहूं कि व्हाट अरेंजमेंट्स वी, कि कौन सी व्यवस्था है जो हम लोग द जमींदार्स, जो जमींदार्स हैं, हैव मेड फॉर द एग्रीकल्चरल वोट, कि हमने कृषि कार्य से संबंधित वोट के लिए कौन सी व्यवस्थाएं हमने लागू की है और कौन सी व्यवस्थाएं लागू करनी है, इस पर भी बात हो जाएगी। पैरा 37 में आएंगे, नानू काका सॉर्ट ऑफ ट्रेल्ड ऑफ, नानू काका अपनी बातों से पिछड़ रहे थे। एंड आई कुड सी, और मैं देख सका, दैट कि ही वाज नॉट रियली मेकिंग एन इम्प्रेशन ऑन द सेक्रेटरी, और मैंने ये भी बात देख सका कि वो चाहे कुछ भी, कितना भी कुछ बोल पा रहे थे, लेकिन उसे सेक्रेटरी पर थोड़ा सा भी इम्प्रेशन, थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं बना पा रहे थे। वाज जस्ट बींग पोलाइट, जो कि बिल्कुल ही पोलाइट बन रहा था, विनम्र बनने का नाटक कर रहा था। एंड प्लेइंग इट सेफ, और इस रोल को बहुत बढ़िया से प्ले भी कर रहा था, निभा भी रहा था। I will have to see whether Lalaji is free, the secretary said. तो सेक्रेटरी ने कहा कि मुझे पहले देखना पड़ेगा कि लालाजी फ्री भी हैं या नहीं हैं, यानी कि कोई काम में लगे हुए हैं या फ्री बैठे हुए हैं, देखना पड़ेगा। He seldom sees your visitors without a previous appointment. वो कभी भी नहीं मिलते बिना visitors, किसी भी विजिटर्स से, विदाउट ए प्रीवियस अपॉइंटमेंट, बिना किसी पूर्व नियुक्ति के, अपॉइंटमेंट के, कभी किसी विजिटर से मिलते नहीं है। 38, लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री,
लाला जी निश्चित रूप से फ्री ही होंगे, बिकॉज फ्रॉम द एडवेंटिंग रूम, चूंकि बगल के कमरे से वी कुड जस्ट हियर, हम लोग सुन सकते थे द अनहरिड गार्गल ऑफ द हुक्का, यानी कि अनहरिड लगातार गार्गल गड़गड़ाहट ऑफ द हुक्का, यानी कि हुक्का की गड़गड़ाहट गुड़गुड़ाहट बगल के कमरे से सुनाई दे रही थी, इसलिए ऐसा लग रहा था कि मानो कि लाला जी फ्री होंगे। एंड देन और तब वी कुड हियर द हंटी सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम, और तब हम लोग फिर से सुन सके कि जो सेक्रेटरी था वो क्या कर रहा था, क्या कर रहा था वो जो हॉटी यानी कि घमंडी सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम, उनसे बात कर रहा था, यानी लाला जी से वो सेक्रेटरी बात कर रहा था। नेक्स्ट पैरा में आएंगे 39 में आएंगे, व्हाट डे इज इट टुडे, नानू काका आस्क्ड मी, तो कौन सा दिन है आज, नानू काका ने मुझसे पूछा। 40 आई थॉट, तो मैंने सोचा, ही वॉज स्पीकिंग इन एन अनयूजुअली लाउड वॉइस, तो मुझे ऐसा लगा कि नानू काका जान बुझ करके तेज आवाज में मुझसे ये बात पूछ रहे हैं। ट्यूजडे आई टोल्ड हिम, मंगलवार मैंने उनसे कह दिया। नेक्स्ट पैरा 41 में आएंगे, उफ ओनली ट्यूजडे, अरे आज ट्यूजडे ही है, मंगलवार ही है। एंड टू थिंक दैट, और सोचो कि दैट ऑन संडे आई वॉज इन बेरूत, मैं पिछले रविवार को कहा था तो बेरूत में था। अमेजिंग, आश्चर्यजनक, इजंट इट, है ना। 42 आई स्वेलोड हार्ड, मैंने किसी तरह से बात को निगला। अमेजिंग, हतप्रभ करने वाली, आश्चर्यजनक बात, आई एग्रीड, मैं सहमत हो गया। 43 एंड इफ आई हैड लिसेंड टू हजरत, यदि मैंने हजरत की बात सुनी होती तो आई वुड स्टिल बी अब्रोड, तो मैं अभी भी अब्रोड में यानी विदेश में ही होता। ओल्ड एच बी, वो वृद्ध एच बी वॉज जस्ट ट्राइंग टू ड्रैग मी टू द फॉरेन मिनिस्टर, वो प्रयास कर रहा था कि मैं विदेश मंत्रालय में जाऊं और विदेश मंत्री से मिलूं। 44 द स्टडी गार्गलिंग ऑफ हुक्का इन द नेक्स्ट रूम हैड सडनली स्टॉप्ड, लेकिन द स्टडी जो लगातार गार्गलिंग ऑफ हुक्का यानी कि हुक्का की गुड़गुड़ाहट की जो आवाज आ रही थी इन द नेक्स्ट रूम, अगले रूम से, अगले कमरे से, हैड सडनली स्टॉप्ड, वो अचानक से रुक गई। नेक्स्ट पैराग्राफ में आएंगे 45, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा, नानू काका आस्क्ड, नानू काका ने पूछा। एल दो यद्यपि आई हैडंट इवन ओपेंड माई माउथ, यद्यपि मैंने अपना मुंह भी नहीं खोला था। व्हाई डिडंट आई स्टे बैक, मैं वहां पर वापस क्यों नहीं रुक सका। यू नो, तुम्हें पता है हाउ इट वॉज विद एच बी द लास्ट टाइम, तुम्हें पता है एच बी के साथ पिछली बार कैसा हुआ था। वेन ही वॉज इन जिनेवा, जब वो जिनेवा में था, गोट मी इन्वॉल्व इन द कॉटन टॉक्स, तो मुझे बातों में, मीठी मीठी बातों में, कॉटन टॉक्स यानी मीठी मीठी बातों में उलझा करके उसने मुझे रखा। बिसाइड्स, इसके बदले में, फ्रॉम बॉम्बे, बम्बई से, एसके हैड बीन सेंडिंग मी केबल आफ्टर केबल, और बम्बई से मुझे एसके केबल के बाद केबल, बार बार केबल भेज रहा था, फिर भी उसने मुझे मीठी मीठी बातों में, कॉटन टॉक्स में उलझा करके रखा। 46 दैट वॉज द मोमेंट, यही तो वह क्षण था, लाला सोहन लाल रतिराम आया, वेडलिंग आउट ऑफ द इनर रूम, यानी कि अंदर वाले कमरे से वेडलिंग डगमगाते हुए, विद द सेक्रेटरी, अपने सचिव के साथ, एट हिज हिल्स, वो अपने हिल्स पर, एड़ियों पर, अपने पैरों पर चल करके आया। एंड फ्रॉम देन, और तब से, ऑन एवरीथिंग वाज स्मूदर्ड, सब कुछ एकदम चिकना चुपड़ा हो गया था, स्मूथ हो गया था, इन द सेक्रीन, मानो की सेक्रीन के जैसा हो गया था, कर्टसी ऑफ द सीजनड पॉलिटिकल कैंपेनर, और इस तरह की विनम्रता पेश किया जा रहा था जैसा कि जिस तरह से सीजनड यानी कि चुनाव के समय में जो पॉलिटिकल कैंपेनर होते हैं, राजनेता लोग होते हैं, जिस तरह से लोगों से मिलते हैं और बात करते हैं, ठीक वैसा ही अब सब कुछ होने लगा था। एज सुन एज, और जितना जल्दी हो सके, द इंट्रोडक्शन वेयर ओवर, जैसे इंट्रोडक्शन, परिचय का आदान प्रदान हो गया, द सेक्रेटरी वॉज सेंट, तो सेक्रेटरी को भेज दिया गया, सचिव को भेज दिया गया। बस्टलिंग ऑफ टू ऑर्डर कॉफी एंड स्वीटमीट्स एंड पान, यानी कि किन चीजों के लिए, तो कॉफी के लिए, मिठाई के लिए और पान के लिए भेज दिया गया कि जाओ लेकर के आओ। 47 में आएंगे, 47 क्या कहता है इसको देख लेते हैं। द स्पैर्ड गार्डेडली अबाउट जमींदार, उन्होंने क्या किया, स्पैर्ड किया, कुछ समय तक तुतू में हुआ, बस हुआ थोड़ा बहुत, गार्डेडली बहुत ही सावधानी पूर्वक, अबाउट जमींदार, जमींदार के बारे में, एंड वोट और उनके वोट के बारे में, एंड द वेदर कुछ समय, वेदर मौसम के बारे में, फॉर अ फ्यू मिनट्स कुछ मिनटों तक बात हुई इन सारे मैटर्स पर, बिफोर कमिंग टू ब्रास टैक्स, इससे पहले कि ब्रास टैक्स पे आया जाए, मूल मुद्दे पर आया जाए, उन्होंने इन सारे मैटर पर बात किया। आई हियर यू नो हजरत बरकत अली, वेल सोहनलाल सेड, तो सोहनलाल ने क्या कहा कि मैंने अभी अभी सुना कि तुम हजरत बरकत अली को आप जानते हैं।
वेल अच्छा बढ़िया बात है सेड विद एन इनग्रेटिएटिंग ग्रीन, उन्होंने दांत निपोड़ते हुए कहा, हंसते हुए कहा कि मुझे पता चला अभी अभी मैंने सुना कि आप हजरत बरकत अली को जानते हैं। फिर आप 48 में आएंगे, उफ ओल्ड एचबी, अरे हाँ वो वृद्ध एचबी, पुराना एचबी, हाउ डिड यू नो, आपने कैसे जाना, आई नो एचबी कि मैं एचबी को जानता हूँ, एक्चुअली वास्तव में वी आर एट स्कूल टुगेदर, हम लोग स्कूल में साथ साथ पढ़े थे, ऑलवेज रिगार्डेड मी, उसने हमेशा मुझे सम्मान दिया एज ए सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर, एक बड़े भाई के रूप में, रादर टचिंग और शायद नजर न लगे रियली वास्तव में इवन टूडे, यहाँ तक कि आज भी ही सेल्डम मेक्स अ बिग डिसीजन, आज हुए कोई बड़े फैसले नहीं लेता विदाउट कंसल्टिंग मी, बिना मुझसे पूछे हुए। व्हेन द पीएम ऑफर्ड हिम द एम्बेसी, जब पीएम ने उन्हें, प्रधानमंत्री ने उसे एम्बेसी ऑफर किया राजदूत बनने के लिए कहा, तो हु डू यू थिंक हैड टू मेक अप एचबी माइंड फॉर हिम, तो आपको पता है एचबी को उसके लिए तैयार किसने किया, तो 49 यू, आपने, यहाँ पर सोहनलाल ने कहा डायरेक्टली नानू काका को कि आपने तैयार किया होगा, क्योंकि सोहनलाल यहाँ पर पूरी तरह से फंस चुका था, नानू काका की बातों में आ चुका था। 50 में आएंगे, दैट्स राइट मी गुड ओल्ड एचबी, हाँ बिल्कुल सही, मैंने ही किया था, बहुत ही अच्छा भला आदमी है एचबी हजरत बरकत अली। 51 हा 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 लव्ड सोहनलाल, तभी सोहनलाल हंसने लगे, नाउ शोइंग ऑल हिज पान डेंटिटी, और उन्होंने अपने पान से जो है दांत जो खराब हुए थे या पान के जो चिन्ह लगे हुए थे दांत पे वो सारे के सारे झलक रहे थे। इन दैट केस, उस स्थिति में इट इज ए लकी डे दैट यू हैव कम टू माई हम्बल हाउस, और वो कहते हैं कि बहुत ही मैं भाग्यशाली हो गया, धन्य हो गया कि आप मेरे इस छोटे से घर में आप आए हैं, मेरे लिए जो है आपने आतिथ्य को मतलब सम्मान करने का मौका दिया है, वेरी लकी, बहुत ही भाग्यशाली हूँ मैं, बिकॉज माई सन, क्योंकि मेरा बेटा ही इज इन द बैलेंस मिनिस्ट्री, वो कहाँ पर है तो वह बैलेंस मिनिस्ट्री में है, संतुलन मंत्रालय में है, यही अरे यहाँ ही वॉज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर, वो जो था ट्रेड कमिश्नर यानी कि व्यापार कह सकते हैं आयुक्त बनने जा रहा था, टू हजरत बरकत अली यानी कि हजरत बरकत अली के सानिध्य में, बट यू नो, लेकिन आपको पता है हाउ देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स, लेकिन कितने सारे टेंशन है, कितनी सारी कठिनाइयां हैं, समवन सीम्स टू हैव पॉइजंड द एम्बेसडर्स माइंड, ऐसा लगता है कि किसी ने अम्बेसडर राजदूत के दिमाग में जहर घोल दिया है, अबाउट माई सन मेरे बेटे के बारे में, अबाउट सम ट्रांजेक्शन कुछ लेन देन के बारे में, कंसर्निंग जो कि संबंधित था एवेक्यू प्रॉपर्टी यानी कि बेनामी संपत्ति से रिलेटेड था, एक्चुअली वास्तव में इट वॉज ए परफेक्टली लेगिटिमेटेड, लेकिन वास्तविकता अगर देखा जाए तो ये पूरी तरह से लेगिटिमेट था यानी कि वैध था। 52 में आएंगे, पैरा 52 क्या कहता है देख लेते हैं, नानू काका वेव्ड अवे एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन, नानू काका को दूसरा एक्सप्लेनेशन करने से विश्लेषण करने से बचते दिखे, दैट शुड बी क्वाइट सिंपल, उन्होंने कहा कि वो तो बिल्कुल आसान काम होना चाहिए, ही अनाउंस्ड, उन्होंने घोषणा की है, आई विल राइट एंड टेल एचबी टू डू इट, मैं लिखूंगा पत्र और एचबी को कहूंगा कि वो ये काम कर दे, आपका काम हो जाएगा, नो नो डोंट थैंक मी एट ऑल, नहीं नहीं धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आफ्टर ऑल कुल मिलाकर के वी मेन इन द पब्लिक आईज, हम लोग जो है जो जमींदार से वो पब्लिक लोगों की नजर में है, मस्ट डू थिंग्स फॉर वन अनदर, हमें एक दूसरे के लिए कुछ कार्य करने ही चाहिए, वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर, एक अच्छी चीज दूसरे चीजों को प्रेरित करती है, डिजर्व करती है, उसके लायक ही होती है। 53 में आएंगे, नानू काका ओपेंड हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स, तभी नानू काका ने अपने चांदी का स्नफ बॉक्स यानी कि नसावार का जो बॉक्स था जो डब्बा था उसको खोला, एंड टू का पिंच और उसमें से एक चुटकी निकाला, देन तब फ्लिकिंग ऑन हिज अंगोछा, इसके बाद वो अंगोछा में पहुंचते हुए ही कैजुअली मेंशनड द नेम ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर, उन्होंने आकस्मिक के रूप से वेलफेयर मिनिस्टर का यानी कल्याण मंत्री का नाम मेंशन किया, सामने लाया, प्रस्तुत किया। 54 द फिक्स्ड ग्रीन ऑफ ऑन सोहनलाल फेस वैनिश्ड, तभी सोहनलाल के चेहरे पर जो उत्साह का जो माहौल बना हुआ था, चेहरे पर खुशी की जो झलक थी वो अचानक से वैनिश्ड हो गई, गायब हो गई। इज ही अ फ्रेंड ऑफ योर्स, क्या वे आपके मित्र हैं, नानू काका एडमिटेड, नानू काका समझ गए परिस्थिति को, भाप लिए, कहते कि नो नॉट एग्जैक्टली, नहीं नहीं बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। 55 आई एम सो ग्लाड, मैं बहुत खुश हूँ सोहनलाल सेठ, सोहनलाल ने कहा रिलीव, राहत की सांस लेते हुए, सो ग्लाड, बहुत खुश हुआ, दैट मैन, वो आदमी सच इन ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञ है कि गेव हिम अ टिकट, उसे मैंने एक टिकट दिया, हेल्पड हिम इन एवरी वे, प्रत्येक तरीके से उसकी मदद की, एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न, और मुझे बदले में क्या मिला।
पैरा 56 में आएंगे, ये क्या कहता है, इट टर्नड आउट दैट द मिनिस्टर एंड द लाला सोहनलाल, ये ऐसा प्रतीत हुआ लगा कि मंत्री और लाला सोहनलाल जो है वंस द बेस्ट फ्रेंड्स, एक समय ऐसा रहा होगा जो सबसे अच्छे फ्रेंड्स रहे होंगे दोनों, वेयर नाउ एट डेजर्ट ड्रांस, लेकिन आज वे एक दूसरे के शत्रु थे, डेजर्ट ड्रांस थे यानी जाने दुश्मन थे, सिंस लास्ट ईयर पिछले ही साल से द मिनिस्टर हैड रिफ्यूज्ड टू कंसीडर ए प्रोपोजल फॉर हिज डॉटर टू मैरी लाला जी सन, पिछले ही साल जब मंत्री ने यानी कि कल्याण मंत्री ने वेलफेयर मिनिस्टर ने रिफ्यूज कर दिया था, इनकार कर दिया था टू कंसीडर ए प्रोपोजल, एक प्रस्ताव का, फॉर हिज डॉटर टू मैरी लाला जी सन, उसने अपनी बेटी का विवाह लाला जी के बेटे से करने से इनकार कर दिया था, और तभी से दोनों जो है एक दूसरे के डेजर्ट ड्रंस थे, जाने दुश्मन थे। 57 में आएंगे, ही वांट्स ए प्रिंस, वो एक राजकुमार चाहता है, सोहनलाल स्नॉर्टेड, सोहनलाल ने खींचते हुए कहा, चुस्की लेते हुए कहा, व्हाट इज ए प्रिंस दिस डेज, राजकुमार क्या है इन दिनों, फाओ छी कॉन्फिडेंशियल, बिल्कुल ही कॉन्फिडेंशियल, बिल्कुल ही कॉन्फिडेंशियल यानी गुप्त, आई कैन टेल यू दैट, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि द मिनिस्टर हैज बर्नड हिज बोर्ड्स, मिनिस्टर ने अपना नाव खुद ही जलाया है, यानी कि अपने नाव में उसने छेद खुद ही किया है, आई वुड बी सरप्राइज्ड ही इज गिवन ए टिकट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, और मुझे बड़ा ही आश्चर्य होगा जब अगले इलेक्शन के लिए, अगले चुनाव के लिए उसे एक टिकट दिया जाए, वेरी सरप्राइज्ड, बहुत ही आश्चर्यजनक होगा, ही टर्न्स माय सन डाउन एंड वांट्स प्रिंस, उसने मेरे बेटे को दरकिनार कर दिया और एक राजकुमार चाहता, वाह वाह, एंड व्हाट इज इवन मोर फनी, और इससे भी बड़ी मजाकिया बात आज के दौर में क्या हो सकती है, आई एम टोल्ड दैट सो फार दे haven't even exchanged horoscopes, और मुझे सबसे बड़ी चीज है कि उन्होंने आज अपना हॉरोस्कोप भी एक्सचेंज नहीं किया है, यानी कि उन्होंने अपना कुंडली भी नहीं बदला है, इवन द यहाँ तक कि द एस्ट्रोलॉजर्स ऑन बोथ साइड्स haven't come together to decide whether it would be an auspicious match, और यहाँ तक कि दोनों पक्ष के जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ज्योतिष भी है, वो भी एक साथ बैठकर वो लोग डिसाइड नहीं कर सके हैं कि auspicious match है कि नहीं है, शुभ जोड़ी है या नहीं है। 58 में आएंगे, पैराग्राफ 50, शर्मनाक, नानू काका स्नोर्टेड, नानू काका ने खींचते हुए ये कहा, ऐसा मानो जैसे नाक से शब्द को निकाल रहे हैं, इस तरह से बोला, स्नोर्टेड, डिसग्रेसफुल, शर्मनाक, व्हाट प्रिंस डिड यू से, आपने किस राजकुमार के बारे में कहा। 59, सम टू पेनी स्टेट कॉल्ड निनोर, वही दो कौड़ी का राज्य जिसे निनोर कहा जाता है। पैरा 60 में आएंगे, 60 क्या कहते हैं, वी लेफ्ट द हाउस सून, इसके बाद हम लोग उस घर से तुरंत ही निकल गए, आफ्टर दैट उसके बाद, नानू काका हैविंग अगेन प्रोमिस्ड, नानू काका ने फिर से प्रोमिस किया यानी कि वादा किया, दैट कि ही वुड राइट टू ओल्ड एचबी, वो क्या करेंगे, उस पुराने मित्र एचबी को लिखेंगे पत्र, दैट वेरी डे, उसी दिन, एज वी ड्रोव अवे, हम लोग जैसे ही बाहर निकले, बोथ लाला जी एंड हिज सुपीरियर सेक्रेटरी वेयर बोविंग टू हिम फ्रॉम द पोर्च, और जैसे हम लोग बाहर निकले तो मैंने देखा कि लाला जी और उसका सेक्रेटरी जो था दोनों झुक करके सलामी दे रहे थे नानू काका को, यानी कि मेरे मामा जी को। पैरा 61, नानू काका वाज स्ट्रेंजली साइलेंट, नानू काका एकदम बिल्कुल ही शांत थे That evening उस शाम, and went to bed soon after dinner, और रात्रि के भोजन करने के बाद, रात्रि भोज के बाद तुरंत ही बेड पर चले गए, बट इन द मॉर्निंग, लेकिन सुबह में, ही वाज चर्पी अगेन, वो फिर से एकदम प्रसन्न थे, खुश मुद्रा में थे, चर्पी थे, ऐसा मानो चहचहा रहे हूँ। पैरा 62 देखते हैं क्या कहता है, वी आर गोइंग टू द मिनिस्टर्स हाउस दिस मॉर्निंग, ही अनाउंस्ड, उन्होंने कहा कि हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं, तो मंत्री के घर जा रहे हैं, दिस मॉर्निंग, आज ही सुबह में, ही अनाउंस्ड, उन्होंने घोषणा किया। 63, नॉट मी प्लीज अंकल आई अपील्ड, तो मुझे नहीं मामा जी प्लीज, मैंने अपील किया, उनसे अनुरोध किया। 64 में आएंगे, ये पैराग्राफ क्या कहता है जरा इसको भी देख लेते हैं। पैरा 64 में आएंगे, ही इनहेल्ड सम स्नफ बिफोर ही स्पोक, उन्होंने कुछ स्नफ लिया, इनहेल किया, सूंघा, इससे पहले कि वे कुछ बोले, एंड बाई दैट टाइम, और ठीक उसी समय, ही सीम्ड टू हैव forgotten what I had said, और ऐसा लगा कि मानो सब कुछ भूल चुके हैं जो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था या जो कुछ भी मैंने उनसे कहा था। This car of yours, ये जो तुम्हारी कार है, too old, बहुत पुरानी है, too small, बहुत छोटी है। We will need something much more impressive, हम लोगों को much more impressive यानी कुछ बहुत अधिक आकर्षित करने वाली वैसी कार चाहिए। You noticed, तुमने ध्यान दिया, how that secretary की, किस तरह से वो जो secretary था, जो सचिव था लाला जी के यहाँ, treated us, हम लोगों के साथ behave किया, as coldly as first, कितना ठंडे से, कितना नरमी से,
इफ वी हैड गोन इन अ बिगर कार, यदि हम लोग बड़े कार में गए होते तो ही वुड हैव बीन क्वाइट डिफरेंट, तो उसका जो है तरीका बिल्कुल ही डिफरेंट। पैरा 65 में आने वाला है, व्हाट अबाउट ए टैक्सी, तो मैंने पूछ लिया यानी कि राइटर ने पूछा कि टैक्सी के बारे में क्या ख्याल है, टैक्सी कैसा रहेगा। 66, नो नॉट ए टैक्सी, नहीं टैक्सी नहीं, ए प्राइवेट कार, एक निजी कार चाहिए। ड्रिवन बाय ए लिवरीड सफर, और जो है वर्दीधारी सफर चालक उसको चलाए। द बिगेस्ट द बेटर, बड़ी कार और बेहतरीन कार चाहिए। 67, आई रिमेम्बर, तो मुझे याद आया। That कि an acquaintance of mine, मेरे एक पड़ोसी acquaintance has been trying, कोशिश कर रहे थे to sell for some months, कुछ महीनों से बेचने के लिए an enormous, एक बहुत ही बड़ी stately, ऐसा लगता है मानो राज घराने की outlandish विदेशी कार। That would have only been built for a court procession, ऐसा लग रहा था कि मानो बस बड़े बड़े कार्यों के लिए उस कार का उपयोग किया जाए, जैसे कोर्ट में जाने के लिए या दूसरी बड़ी कार जो है उसके लिए उपयोग किया जा सकता था। I told नानू काका about it, मैंने उसके बारे में नानू काका को बताया। पैरा 68, that's it, अच्छा ऐसा है। तो we'll take it out फॉर ए ब्रीफ ट्रायल, तो हम लोग क्या करेंगे इसको लघु परीक्षण के लिए ले लेंगे कि भाई चला के देखते हैं, अच्छा रहेगा तो ले लेंगे। ही सजेस्टेड ब्रिजली, उन्होंने निश्चिंत होकर के ये सजेस्ट किया, ये सुझाव दिया। 69 में आएंगे, 69 क्या कहता है, तो आई एम श्योर वी कुड, मैं निश्चिंत हूँ कि मैं हम लोग ये कर सकते हैं। आई सेड, मैंने कहा, इफ यदि वी लुक्ड लाइक जेन्युइन बायर्स, यदि हम लोग असली खरीदार दिखे तो हम लोग ब्रीफ ट्रायल के लिए उस कार को ले सकते हैं। बट डू वी, लेकिन क्या हम लोग ऐसा कर पाएंगे। दे जो मोटर कार टोर्ड्स, ये मोटर कार के जो दलाल हैं, स्मेल ए रिच मैन ए माइल ऑफ, कई मील दूर से, एक मील दूर से ही अमीर लोगों को सूंघ लेते हैं, ऐसा मानो पहचान लेते हैं। पैरा 70, यू लीव दैट टू मी, तुम वो सारी चीजें मुझ पर छोड़ दो, नानू काका ने कहा, नानू काका सेड। यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी, तुम मुझे बस उस जगह का डिटेल बता दो, विवरण दे दो। 71, एंड व्हाट अबाउट दिस लिवरीड सफर, आई आस्क्ड, तो मैंने पूछा यानी कि राइटर ने फिर से पूछा कि अच्छा एक बात बताइए कि जो वर्दीधारी ड्राइवर है, चालक है, उसका क्या होगा, वर्दीधारी चालक कहाँ से आएगा। 72, यू ऑफकोर्स, तुम हो ना बेशक, नानू काका सेड ब्लांडली, नानू काका ने निश्चिंत होते हुए कहा कि वर्दीधारी ड्राइवर कोई और नहीं होगा बल्कि तुम होगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं, 73 में आते हैं। ही टुक आउट हिज चेक बुक, उन्होंने अपना चेकबुक निकाला। एंड रोट ए चेक फॉर 1000 रुपीज, उन्होंने एक चेक पर 1000 रुपया लिखा। ही फोल्डेड इट, उन्होंने इसे बहुत बढ़िया से फोल्ड किया, मोड़ा नीटली, बहुत अच्छी तरीके से। एंड पुट इट, और इसे रख दिया, इनटू द इनर पॉकेट, अंदर वाले पॉकेट में, ऑफ एन ओल्ड कोट ऑफ हिज, अपने एक पुराने कोट में। नाउ कॉल योर धोबी, ही टोल्ड मी, तब उन्होंने कहा कि अब एक काम करो, तुम अपने धोबी को बुलाओ। 74 पैराग्राफ में आएंगे। आई कॉल्ड द धोबी, मैंने क्या किया, धोबी को बुलाया। एंड अंकल गेव हिम द कोट, और अंकल ने यानी कि मामा जी ने उस धोबी को कोट दे दिया। एंड टूक हिम आउटसाइड, उसको लेकर के बाहर गए। एंड हैड ए टॉक विद हिम, और उससे थोड़ी देर बात की। देन वी ड्रोव ओवर टू द सिका ऑटो डीलर्स, और इसके बाद हम लोग कहाँ गए, तो सिका ऑटो डीलर्स की ओर चल गए। सिका ऑटो डीलर्स वो जगह थी जहाँ पर कार जहाँ से खरीदा जा सकता था या ब्रीफ ट्रायल के लिए लिया जा सकता था। एंड नानू काका आस्क्ड, और नानू काका ने पूछा, इफ ही कुड ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंड, और नानू काका ने वहां जाकर के पूछा क्या, आस्क्ड पूछा कि इफ ही कुड ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंड, उन्होंने पूछा कि क्या जो कार हमें पसंद है क्या हम उसको ट्रायल के लिए, ट्राई करने के लिए चला करके देख सकते हैं। पैरा 75 में आएंगे। वी हैड बैरली गोट टॉकिंग टू द मैनेजर, हम लोग मुश्किल से मैनेजर से बात कर ही रहे थे। व्हेन, तभी जब, द धोबी रश्ड इनटू द शॉप, धोबी दौड़ता भागता दुकान में आया। होल्डिंग नानू काका ओल्ड कोट इन वन हैंड, एक हाथ में नानू काका को पुरानी कोट पकड़े हुए था। एंड ब्रांडिशिंग, और लहराते हुए द चेक, उस चेक को विद द अदर, दूसरे हाथ से। ओह देयर यू आर, अरे आप यहाँ हैं। He painted, वह चीखा, look, देखिए, what you had left in his coat of yours, in this coat of yours, ये देखिए आपने अपने इस कोट में क्या छोड़ दिया था। 76, नानू काका held out the check at the arm's length, नानू काका ने अपना हाथ आगे बढ़ाते उस चेक को ले लिया। And clucked his tongue several times, उन्होंने कई बार अपने जीव को बजाया, जैसे how careless of me, मैं भी कितना लापरवाह हूँ। He said, उन्होंने कहा, आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, मैं इस तरह की चीजें अक्सर, इस तरह की गलतियां अक्सर कर दिया करता हूँ।
बेयरर चेक, एक सादा चेक टू, वो भी एनीवन कुड हैव कैश्ड इट, कोई भी इसे भंजा लेता, कैश करा लेता, नकदी करा लेता। हियर, सुनो इधर इधर आओ माय गुड मैन, मेरे अच्छे भले आदमी। ही सेड टू द धोबी, उन्होंने धोबी से कहा, हियर इज अ रिवार्ड फॉर यू, लो यह तुम्हारे लिए इनाम है। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी के जैसा कुछ भी नहीं है। एंड ही गिव हिम ए 2 रुपी नोट एंड ए पैट ऑन द बैक, उन्होंने उसे 2 रुपए का एक नोट दिया और पीठ पर एक थपकी लगाई। पैरा 77 में आएंगे, देखते हैं इसमें क्या हुआ है। आफ्टर दिस डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी कि धन की इस प्रदर्शन, लक्ष्मी के इस प्रदर्शन के बाद, इट वॉज क्वाइट इजी अबाउट द कार, कार के बारे में तो सारी चीजें बहुत आसान हो गई थी। आई ड्रोव, मैंने चलाया। वियरिंग माई व्हाइट जोधपुर कोट, मैंने उसे अपने सफेद रंग के जोधपुर कोट को पहना। एंड द ऑरेंज टर्बन, और उस नारंगी रंग के पगड़ी को बांधा। एंड नानू काका सेट रिगली एट द बैक, और नानू काका ठीक पीछे वाले सीट पर बैठ गए। लुकिंग एवरी इंच व्हाट ही वाज सपोज्ड टू बी, और बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसा वो दिखना चाहते थे। ये हेरिडेटरी पंडित फ्रॉम प्रिंसली एस्टेट, वे एक राजकुमार घराने से, यानी कि एक राज घराने के जो है वो पारंपरिक पंडित जैसा, राज पुरोहित, हेरिडेटरी पंडित यानी राज पुरोहित जैसा दिख रहे थे। पैरा 78 में आते हैं। वी ड्रोव टू द मिनिस्टर्स हाउस, हम लोग कहाँ गए, तो मंत्री के घर गए। एंड द सर्वेंट्स एंड द सेक्रेटरी फ्यूस्ड अराउंड नानू काका, वहाँ के नौकर चाकर और सचिव जो है फ्यूस्ड अराउंड नानू काका, नानू काका के चारों ओर उन्होंने भीड़ लगा दिया, घेर लिया उनको। हु रिफ्यूज टू स्टेट हिज बिजनेस, उन्होंने अपना व्यवसाय या पता बताने से इनकार कर दिया। बट मेरली कॉल्ड फॉर द विजिटर्स बुक, मात्र उन्होंने वहाँ का विजिटर बुक मंगवाया, यानी कि विजिटर बुक मंगवाया वहाँ का, जिसपे लोग जाते थे तो अपना परिचय लिखते थे। पैरा 79 में आएंगे, क्या कहता है 79 देख लेते हैं। आई हैव जस्ट कम टू मेक ए फॉर्मल कॉल, बस मैं ऐसे ही इधर मिलने आ गया घूमते हुए। ही अनाउंस्ड, उन्होंने घोषणा किया। आई हैव नो विश टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर, मेरी कोई इच्छा नहीं कि मैं मंत्री को परेशान करूं, डिस्टर्ब करूं। इट इज जस्ट ए फॉर्मेलिटी दैट वी इन द ओल्ड प्रिंसली एस्टेट स्टिल ऑब्जर्व, बस एक फॉर्मेलिटी, औपचारिकता है, जैसा कि हम लोग जो राज घराने वाले जो हैं लोग हैं वो हमेशा इस चीज का ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन करते हैं। हिज हायनेस इज ए ग्रेट स्टिकलर फॉर दिज कटसीज, उनकी जो ग्रेट स्टिकलर फॉर दिज कटसीज, कहते हैं कि उनकी जो महारानी है वो बहुत ही बड़ी जो है तरफदारी करती है इन सारे कटसीज की, शिष्टाचारों की। दे ब्राउट द विजिटर्स बुक, उन लोगों ने क्या किया, विजिटर बुक लाया। एंड आई वॉच्ड नानू काका इन एडमायरेशन एज ही रोट हिज नेम विद फ्लॉरिस एंड एडेड, उन्होंने अपना नाम बहुत सुंदर सुंदर स्पष्ट शब्दों में लिखा। हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर, यानी कि राज पुरोहित ज्योतिष, टू द महाराजा ऑफ निनोर, यानी कि निनोर के महाराज का। एट द एंड, और अंत में, ही गेव हिज दिल्ली एड्रेस माई एड्रेस, और अंत में उन्होंने दिल्ली का पता दे दिया, और वो भी पता किसका, तो मेरा पता दे दिया। वैरायटी में आएंगे, 80 क्या कहता है देख लेते हैं। विदाउट अनदर वर्ड, बिना किसी दूसरे शब्द को कहे हुए, बोले हुए, बिना किसी दूसरे शब्द के। एंड एज दाउ ही वेयर इन ए टियरिंग हरी, ऐसा मानो कि बहुत हड़बड़ी में है, जल्दी में है, ही गोट इन टू द कार, वे कार में सवार हो गए। एंड सेड लाउडली, और जोर से उन्होंने कहा, कैमन टेक मी टू द महाराजा सुतकट्टाज पैलेस, मुझे लेकर महाराज सुतकट्टा के पैलेस यानी महल में चलो। आई हैव टू रिटर्न ऑल दोज हॉरोस्कोप, मुझे वो सारी कुंडलियां लौटानी हैं, इंटरेस्टेड टू मी, जो कि मुझे सौंपा गया था। एज द कार टर्नड आउट ऑफ द गेट, जैसे ही कार जो है गेट के बाहर मुड़ी, आई ग्लांस दो, मैंने एक झलक देखा बैकवर्ड पीछे की ओर। एंड सा, और देखा कि ए ह्यूज डार्क खद्दर क्लाड फिगर, एक बहुत ही बड़ा भारी भरकम गहरे खादी के कपड़े में ढका हुआ एक चेहरा, पियरिंग अस, हम लोग की तरफ झांक रहा था, फ्रॉम एन अपर स्टोरी विंडो, यानी कि ऊपर वाली खिड़की से। पैरा 82 में आएंगे। वी हैड जस्ट फिनिश्ड टी, हमने अभी अभी चाय समाप्त किया था, चाय लिया था। एंड वी वेयर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक द न्यू किटन विच हैड जस्ट मेड ए पडल ऑन द फ्लोर, और मैं अपने, हम लोग दोनों मिल करके क्या कर रहे थे, घर के फ्लोर को साफ करने का प्रयास कर रहे थे, जिस पर किटन ने, यानी कि बिल्ली के बच्चे ने, गंदगी फैला दिया था। वेन द कार, तभी एक कार विद व्हाइट ट्रायंगल, यानी कि सफेद त्रिकोण जिसके सामने कार पर लगा हुआ था, स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने आकर रुकी।
एंड नानू काका वेंट आउट, और नानू काका बाहर चले गए विद फोल्डेड हैंड्स, हाथ मोड़े हुए, हाथ जुड़े हुए, टू रिसीव द वेलफेयर मिनिस्टर, यानी वेलफेयर मिनिस्टर को, कल्याण मंत्री को रिसीव करने के लिए, हु हैड कम टू सी हिम, जो कि उनसे मिलने आया था। पैरायटी थ्री, नानू काका लेफ्ट यस्टरडे, नानू काका तो कल ही चले गए, हिज मिशन अकॉम्प्लिश्ड, उनका अभियान पूरा हो गया, आई निवर फाउंड, लेकिन मुझे कभी भी पता नहीं चला आउट व्हाट इट वाज दैट ही वांटेड टू सी द मिनिस्टर अबाउट, कि वो ऐसा कौन सा कारण था जिसके कारण वो मंत्री से मिलना चाह रहे थे या मंत्री से मिले थे। ऑल्सो, और ये भी, आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कि क्या होने जा रहा है, व्हेन द मिनिस्टर डिस्कवर्स दैट, जब मंत्री को पता चल जाएगा कि माई अंकल, कि मेरे मामा ने, हैज निवर बीन विद इन 100 miles ऑफ ए प्लेस कॉल्ड निनोर, कि मेरे मामा जो है निनोर नाम का जो जो स्थान है, जो राजघराना है, उसके 100 किलोमीटर या 100 माइल के दूरी के आसपास में भी उनका कोई परिचय नहीं है। ऑल्दो, यद्यपि आई एम नाउ कन्विंस्ड दैट, लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह से कन्विंस्ड हुआ, आश्वस्त हूँ कि नानू काका विल डील विद द सिचुएशन, नानू काका स्थिति को संभाल लेंगे विदाउट अलाउिंग ए सिंगल फोल्ड ऑफ हिज अंगोछा टू फॉल ऑन प्लेस, कि उनका अंगोछा का एक फोल्ड एक मोड़ नीचे गिरे नहीं, उसे पहले वे कंडीशन को संभाल लेंगे। 84, वनली, लेकिन वेन इट हैपेंस, जब ये होता है, मुझे मेरा कहना है, यानी राइटर का कहना है कि जब इस तरह का कंडीशन है तो आई वॉन्ट टू बी समवेयर फार आउट ऑफ रेंज, तो मैं, मेरी ये इच्छा है, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि हे ईश्वर, मैं उस कंडीशन में इस जगह से बहुत दूर रहूं, जिससे कि मैं कोई लफड़े में ना फंसूं, मैं कोई मुसीबत में ना फंसूं। तो इस तरह से ये लेसन जो है, शॉर्ट स्टोरी, फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।